इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस है टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र सो अच्छा ग्लोरिफाइड थ्रू आउट द स्क्रिप्चर्स है एंड स्पेशली अवेलेबल इन दिस कलयुग एज ऑफ कली है ऑल्दो इन अदर युगास डिफरेंट प्रोसेस आर देयर वी मस्ट हैव डिस्कस इन पहले हमने डिस्कस किया होगा आप लोग के साथ आप लोग हैं और भक्तों ने डिस्कस किया होगा कि सतयुग में एक प्रोसेस होता है यज्ञ करने का क्या होता है वेरी नाइस वेरी नाइस एंड फिर त्रेता युग में होता है क्या होता है फायर सेक्रीफाइस टेम्पल होता है द्वापर युग में पहले फायर सेक्रीफाइस है यज्ञ और कलयुग में संकीर्तन या तो यही कह रहे हैं कि गोलो केरा प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मीले केनो ताए हैं रति ना जन्मीले केनो ताए लेकिन मेरे को अभी उसमें रुचि नहीं आई है आई हैव नॉट टेस्टेड दैट क्या कह रहे हैं द ट्रेजर ऑफ डिवाइन लव इन गोलोक वृंदावन हैज डिसेंडेड एज अ कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ लॉर्ड हरिज होली नेम वाई डिड माई अट्रैक्शन फॉर दैट चैंटिंग नेवर कम अबाउट लेकिन मेरे को अट्रैक्शन नहीं हुआ उससे अभी है वाई विल डिस्कस टूडे वाई डिड माई अट्रैक्शन फॉर द होली मेज इज नॉट कम अबाउट Day and night my heart burns from fire of poison of worldliness and I have not taken the means to relieve it. मैंने कोई उपाय नहीं निकाला दीन ही ना यथा चीलो नो नो संसार विषानले दीवा निशी हिया जले जुड़ाई ते ना कोई नो उपाय आई हैव नॉट फाइंड एनी सोल्यूशन टिल ना बजेंद्र नंदन जई सच्ची सुत होइलो सही है बजेंद्र नंदन कौन है भगवान कृष्ण है बजेंद्र नंदन है ब्रज के जो ब्रज ब्रज के जो किंग हैं है? कौन है नंद महाराज उनके नंदन है वो उनके पुत्र हैं है? या बजेंद्र नंदन जई यही जो बजेंद्र नंदन है भगवान कृष्ण सच्ची सुत होलो सही अभी कलयुग में क्या है वो सच्ची सुत कौन है चाहे सच्ची हाँ सच्ची सुत कौन है उनके चैतन्य महाप्रभु है देखा आपने आज आप आए हो कितने दिन हो गए आपको आए हुए 6 days हो गए ओ वेरी नाइस मैं थोड़ा बाहर था मंडे को आया ट्यूसडे मंडे को आया हाँ तो तलाश्री गया था तलाश्री आप लोग भी जाओगे शायद है यू हर्ड आवर फार्म हाउस आई वेंट देयर फॉर सम स्टडी एंड ऑल दिस नाइस पिकनिक सो सच्ची सुत होलो सही बजेंद्र नंदन जई सच्ची सुत होलो सही यही भगवान कृष्ण कलयुग में सच्ची सुत बन के आए कौन चैतन्य महाप्रभु देखा आपने ऑल्टर में तीन ऑल्टर हैं पहले कौन है गौर निताई तो जो गौर हैं उन्हें कहते हैं गौरांग महाप्रभु उन्हें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु उनका नाम चैतन्य महाप्रभु भी है तो उनकी माता का नाम क्या सच्ची माता तो सच्ची सुत है ऐसे यशोदा सुत भगवान कृष्ण सच्ची सुत चैतन्य महाप्रभु है बजेंद्र नंदन जई यही सच्ची सुत हैं ये भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं क्या हमको सिखाने क्या सिखाने कैसे हमें भक्ति करनी है कैसे हमें चैंटिंग करनी है कैसे हम ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस युग में है जो कि फुल ऑफ फॉल्ट है लेकिन फिर भी पॉसिबल है और कुछ भी नहीं छोड़ना है कुछ भी नहीं छोड़ना है सब कुछ कर सकते हैं और फिर भी हम प्राप्त कर सकते हैं है? कितना इजी प्रोसेस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने ऑलरेडी था डिस्क्लोज किया बस ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में था लेकिन रिवील किया क्या चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र या बलराम होइलो निताई है और जो बलराम है लॉर्ड बलराम है वो नित्यानंद प्रभु ओके दीन हीना यथा छीलो हरि नाम उधारी लो तार साक्षी जगाई मदाई तो बता रहे हैं कैसे है हरि नाम हमारा उद्धार कर सकते हैं है? कैसा भी कोई हो कितना भी दीनहीन है कैसा भी व्यक्ति हो लेकिन हरि नाम के अंदर कितनी पावर है क्योंकि भगवान से अभिन्न है भगवान से कोई अंत नहीं भगवान कृष्ण से और उनके नामों में चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र में कोई अंतर नहीं है हैं दीन ही ना उधारी लो यथा छीलो क्या कह रहे हैं
ओ लॉर्ड कृष्णा हु इज द सन ऑफ किंग ऑफ ब्रज बिकेम द सन ऑफ सची लॉर्ड चैतन्य एंड बलराम बिकेम निताई द होली नेम डिलीवर्ड ऑल द सोल्स हु वर लोयली एंड रिच्ड जो बहुत नीच थे गलत कार्य करते थे उनको भी उन्होंने उद्धार कर दिया किसने हरि नाम ने बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र सिंपल प्रोसेस यू नीड नॉट टू पे एनी थिंग वॉट जस्ट चैंट एनी टाइम 24 आवर्स 24/7 एनी टाइम यू कैन चैंट ऑलवेज यू कैन चैंट एनी टाइम यू कैन चैंट वेन यू आर फ्री यू चैंट नो टाइम नो रिस्ट्रिक्शन सच अ इजी प्रोसेस लाइक आप आए हो बहुत दिन से 6 दिन हो गए आपको अब देखते हो मंदिर में जाते हो दर्शन करने सुबह 7:15 बजे दर्शन खुलते हैं दर्शन आरती होती है कितना सुंदर होता है एक भक्त या मंगल आरती होती है सुबह हैं कोई पुजारी करते हैं पूजा करते हैं आरती करते हैं भगवान की क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें बताओ एक भगवान की पूजा करने के लिए कौन नेताई की राधा राज बिहारी की सीता लक्ष्मण की क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है शंख अगरबत्ती दीपक अगरबत्ती और चामर और पुकार खाते और घी और प्रसाद भोगा भोग लगने के बाद प्रसाद बन जाता है भोगा फूड या वेरी नाइस और वाटर या भगवान भगवान स्वयं भगवान को बुलाया जाता है जो भगवान के महान भक्त होते हैं भगवान को बुलाते हैं भगवान स्वयं है वहाँ पे और हाँ रुमाल क्लोथ और ओके मिरर और ड्रेसेस डिवोटी जो वर्शिप करेगा पुजारी ब्राह्मण दीक्षित ही शुड बी इनिशिएटेड ट्वाइस इनिशिएटेड सेकंड इनिशिएटेड ब्राह्मण दीक्षित और क्लीनिनेस कितना स्वच्छ रहते हैं सफाई से रहते हैं टाइम पे जाते हैं सो मच रिक्वायरमेंट फॉर वर्शिपिंग द लॉर्ड बट चैतन्य महाप्रभु हैज़ गिवन सच अ इजी प्रोसेस व्हाट इज दैट जस्ट चैंट हरे कृष्णा एनी रिक्वायरमेंट नो रिक्वायरमेंट सिंपली जस्ट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र बट व्हाट ही एक्सपेक्ट द चैंटिंग शुड बी डन विद रिस्पेक्ट या थ्री थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर चैंटिंग रिस्पेक्ट डिवोशन एंड केयरफुली दीज थ्री थिंग्स आर मेजरली बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट केयरफुलनेस एंड डिवोशन सो ऑल्दो फॉर डूइंग अ वर्शिप ऑफ लॉर्ड वी हैव टू डू सो मच अरेंजमेंट्स पैराफेरनेलिया सो मच इज रिक्वायर्ड इन चैंटिंग देयर इज नथिंग रिक्वायर्ड बट वी शुड रिस्पेक्टफुली चैंट द होली नेम सो रिस्पेक्ट मीन्स टू कंसिडर दैट इट्स नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा दिस रिस्पेक्ट शुड बी देयर नहीं तो फिर हमें बेनिफिट नहीं मिलता फिर लिखा ना क्यों मेरा रुचि नहीं जागृत हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस जैसा दिया गया है क्या प्रोसेस है कि उसको बहुत आदरपूर्ण जप करना चाहिए अभी ये इतना आसानी से मिल गया हमको है कुछ भी करना नहीं पड़ता है तो हम उसको चीपली ले लेते हैं है? चीपली ले लेते हैं केयरफुली जप नहीं करते हैं या तो ये प्रॉब्लम है वाई वी आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड वाई वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग सो वॉट इज रिस्पेक्ट मीन्स टू अंडरस्टैंड कि है क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र फर्स्ट थिंग इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण चैतन्य महापुरुष इज एंड चैतन्य चरितामृत नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्त्वम नाम नामिने अभिन्त्वम नाम नामिने
इसमें नाम और नामिने, जिसका नाम है और जो ये नाम है इसमें क्या है, अभिन्न है, अभिन्नता है, है ये अलग नहीं है, ये सेम है। या तो भगवान कृष्ण के जो नाम है, हैं हमें पूर्ण शुद्ध कर सकते हैं और मुक्त कर सकते हैं हमें इस भौतिक जगत से, है डिलीवरेंस फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वी कैन अचीव द परफेक्शन इन दिस ह्यूमन लाइफ बाय जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम विद रिस्पेक्टफुली, केयरफुली एंड डिवोशन। सो द रिस्पेक्ट इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, इट लॉर्ड हिमसेल्फ हैज अपीयर नाउ एंड आई एम एसोसिएटिंग विद हिम कृष्णा। आपका नाम क्या है? कमल। वेरी नाइस। सो कमल गॉट अ अपॉइंटमेंट विद नरेंद्र मोदी, ही सीक एन अपॉर्चुनिटी एंड समहाउ नरेंद्र मोदी गॉट इम्प्रेस्ड एंड ही गेव 2 मिनट्स अपॉइंटमेंट टू कमल प्रभु। सो वॉट ही विल डू, फर्स्ट ही विल बी वेरी नर्वस, वेरी लाइक मेक अरेंजमेंट्स टू गेट बिफोर गोइंग टू meet him for 2 minutes, first of all. Secondly, while meeting him, उनसे मिलने होंगे जब appointment हो रही होगी जब, है तो क्या करेंगे, कुछ बात कर रहे होंगे या जो भी कुछ कर रहे होंगे, तो ऐसा होगा कि सो रहे होंगे क्या, हैं या वो बात कर रहे हैं और कमल फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, ऐसा होगा नहीं ना। तो ये तो नरेंद्र मोदी एक हमारे जैसे मनुष्य हैं, भगवान कृष्ण से हमारा अपॉइंटमेंट है, ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण से हमारा कॉल है, डायरेक्ट कॉल, वी आर ऑनलाइन विद लॉर्ड कृष्णा, द कनेक्शन विद लॉर्ड वेल चेंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, लॉर्ड हिमसेल्फ कम, ही इज़ देयर विद अस, बैठे हमारे साथ, हमारे साथ हैं जब हम जप कर रहे हैं, और फिर हम सो जाएंगे तो कैसा लगेगा उनको। हम सो जाएंगे या फिर हम मोबाइल पे बात करेंगे चैंटिंग करते समय, या फिर ध्यान से नहीं करेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको बहुत ध्यान से चैंटिंग करना चाहिए, भगवान से अभिन्न है, ये रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट देना हुआ कि हम ध्यान से चैंटिंग करें तो अटेंटिव रहें, सीधा बैठें। जैसे मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था तो उसमें बताया, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है स्ट्रेट बैठने का, कितना इम्पोर्टेंस दिया है स्ट्रेट बैठने का, जो कि मुश्किल है, हम लोग कलयुग के जीव हैं, थोड़ी देर बैठ के फिर झुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आई जस्ट शेयर विद यू। देखो अभी मैं पढ़ रहा था, या समान है शील पोपा संस्कृत श्लोक समान स्ट्रेट, पोपा जी ट्रांसलेट करते हैं बाय रिमेनिंग परपेंडिकुलर, है सिटिंग स्ट्रेट आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा आसन बाय मिस्टिक योगा द पचेताज मैनेज टू कंट्रोल लाइफ एयर माइंड वर्ड्स एंड एक्सटर्नल विजन दस बाय प्रणाम प्रोसेस दे कंप्लीटली रिलीव मटेरियल अटैचमेंट बाय रिमेनिंग परपेंडिकुलर। तो यहाँ वर्ड आता है समान, तान निर्जित प्राण मनोवाच उदृशो जी तसा नान शांत समान विग्रह है, देखें समान है, पापा जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट स्ट्रेट, फिर हमारा थक जाएंगे झुक जाएंगे ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट बैठना, उससे हम जब स्ट्रेट बैठते हैं तो हमारा बिल्कुल ध्यान फोकस होता है, जैसे हम झुक जाते हैं हमारा या फोकस कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है, फिर नींद आ जाती है, इसलिए स्ट्रेट बैंक केचअप करना चाहिए, है दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैंटिंग। या ओके ओके ओके
आप सब लोग स्टडीज कर रहे हो, आप ट्वेल्थ, आप फर्स्ट ईयर, आप सेकंड ईयर। चाणक्य पंडित कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली उन्होंने एक श्लोक दिया है स्टूडेंट्स के लिए, क्या है, कामम क्रोधम लोभम चा स्वाधु श्रृंगार कौतुकी साधु स्वादु स्वादु श्रृंगार कौतुकी अति इन अति निद्रा अति सेवा चा अति निद्रा अति सेवा चा विद्यार्थी ही अष्टम वजेत विद्यार्थी ही अष्टम वजेत स्टूडेंट शुड अवॉइड दिस एट थिंग्स वजेत मीन्स अवॉइड विद्यार्थी स्टूडेंट अष्टम एट थिंग्स दिस एट आइटम्स should be avoided by students. क्या है, काम क्या है, काम क्रोध लोभ है, फर्स्ट इज काम है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। तो चाणक्य पंडित इज वेरी बिग स्कॉलर है, यू मस्ट हैव हर्ड इन द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड वेरी बिग स्कॉलर, वेरी लर्नड पर्सन एंड ही हैज गिवन सम वेरी फाइन टीचिंग्स टू बी प्रैक्टिस्ड। So he is telling this कि ये जो विद्यार्थी का जीवन है उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, ये 8 चीज़ों से विद्यार्थी को बचना चाहिए, अगर नहीं बचेगा तो फिर वो अच्छे से अपनी विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, है ना। अभी हम लोग जस्ट अभी आए हैं, अभी इंजीनियरिंग में जस्ट आए हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न दीज थिंग्स एंड प्रैक्टिस इन अवर लाइफ। नहीं तो क्या होता है, कुछ हम आते ही हैं फिर हमें कुछ सीनियर एसोसिएशन अच्छा संघ मिल जाता है या सो कॉल अच्छा संघ दूसंघ मिल जाता है और हम बिगड़ जाते हैं, हम गलत रास्ता चूज़ कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, माता पिता लोन लेते हैं, उनको देते हैं कि आप जाओ पढ़ाई करो, है बहुत पैसा लगता है, और वो आते हैं, लक्ष्य होता है पढ़ाई करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा व्यक्ति बनेंगे जो भी, लेकिन भटक जाते हैं गलत संघ मिलके। तो इसलिए अभी से हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या विद्यार्थी का जीवन है। शास्त्र पूरा ग्लोरीफाई करते हैं, पूरा बताते हैं, सब बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ, एवरी थिंग इज मैंशन इन स्क्रिप्चर्स। सो द चाणक्य पंडित इज टेलिंग वॉट, कामन, कामन मीन्स या डिज़ायर्स, लस्ट, या दिस इज कामन, या लाइक हम बैठे हैं क्लासरूम में लेकिन हमारा ध्यान जा रहा है गर्ल हॉस्टल में, तो आप देखिए छोटा सा इच्छा है या डिज़ायर है, मेंटल थॉट है, लेकिन हमारा पूरा क्लास का जो आधे घंटा एक घंटे का क्लास है पूरा वेस्ट हो जाता है, पूरा वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल समय ख़राब हो जाता है हमारा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन आगे चल के ये बहुत हमें हमारा पूरा करियर भी खराब कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी समय सही नहीं है, जब अभी हम विद्यार्थी का जीवन है हमारा, तो अभी हमें जिस कार्य के लिए आए हैं उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम इन 8 चीज़ों में अगर फंस गए या फिर इन 8 चीज़ों से नहीं बचे तो फिर हम अच्छे से विद्या ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट बिकम अ गुड स्टूडेंट और स्टडी वेल। इट्स नॉट दैट कि वी कैन नॉट मैरी, वी कैन मैरी बट दिस इज नॉट द राइट टाइम नाउ, इफ यू चेज आफ्टर गर्ल्स, चेज आफ्टर वुमेन एंड वेस्ट अवर टाइम, देन डेफिनेटली चाणक्य पंडित स्टडिंग, यू कैन नॉट स्टडी, यू कैन नॉट बिकम अ स्टूडेंट, टू बिकम अ स्टूडेंट यू नीड टू कंट्रोल, यू नीड टू फोकस। अर्जुना, यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ अर्जुना, अर्जुना वॉज अ गृहस्थ फैमिली मैन,
इज नॉट दिस नॉलेज इज मेंट फॉर ओनली बैचलर्स और समथिंग लाइक दैट नो या ऐसा नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी ही बनना है या ऐसा सब सारे ना नहीं आप जाओगे वापस या कोई कहेगा आपसे आपके फ्रेंड कहेंगे अरे ज़्यादा मत करो हैं ज़्यादा नहीं करना चाहिए नहीं समझना चाहिए हमें कि क्या महत्व है हमारे जीवन का हैं ये चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जिससे हम एक अच्छे लीडर अच्छे व्यक्ति अच्छे इंसान अच्छे भक्त बन सकते हैं अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं क्रोधम मीन्स कंट्रोल एंगर है यू हैव टू कंट्रोल एंगर क्रोधम मीन्स एंगर सो दैट ऑल्सो बी कंट्रोल या कामम क्रोधम लोभम ग्रीड है या टू मच ऑफ ग्रीड इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड या नॉट बिकम टू ग्रीडी लाइक every student have different intelligence level तो कोई 9 score कर रहा है 9 pointer है कोई 10 pointer है कोई 9.5 pointer है somebody 7 pointer so ज़्यादा extra मेहनत करना कुछ छोड़ के रात को सोना नहीं पूरी मेहनत करना कि score कर लूँ how you do study properly throughout the year एंड और एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ो आप लेकिन एक्स्ट्रा एंडेवर ग्रीड की आई ऑल्सो बिकम लाइक हिम सीन दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मच ग्रीड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फिर क्या है स्वादु स्वादु मीन्स ईटिंग फॉर टंग टेस्ट के लिए बाहर जाके कुछ खाना अच्छा नहीं खाना या मीट खाना जो कि सिर्फ अपने टेस्ट के लिए या फिर क्या है श्रृंगार स्पेंडिंग टू मच टाइम इन डेकोरेटिंग आर सेल्फ हमारा हेयर स्टाइल कैसा है 24 तरह के हेयर स्टाइल होते हैं 24 मेरा 25th हेयर स्टाइल है नया हेयर स्टाइल है तो इस समय व्यस्त करना मैंने व्हाट इज़ रिक्वायर्ड वी आर स्टूडेंट बी सिंपल एंड जिस पर्पज़ के लिए हम आए हैं वो करें या कौतुकी कौतुकी मीन्स गोइंग ऑन मार्केट एरिया watching girls wasting time running going here and there on bike unnecessary wasteful time like one person ask ek vyakti khada hua tha aise hi like log khade hote hain na aap dekho aapke student bhi kahin khade hote honge aise ya kahin bhi like kuch market area mein khade bas सुबह से शाम तक दोपहर तक दो तीन घंटे बस शाम को क्या देख रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं ये सब तो वन पर्सन टोल्ड सो इफ समबडी लुक योर सिस्टर लाइक दिस देन व्हाट यू विल डू तो ही सेज आई विल किल हिम तो सोचिए उसकी क्या पोजीशन होने वाली है फिर वो कह रहा है कि कोई मेरी सिस्टर को देखेगा ऐसे लाइक खाली जा रहे हैं और खड़े हुए बस यही देख रहे हैं कौन माता जी आ रहे हैं कौन जा रहे हैं कोई कौन सी बम बना रही है जा रही है क्या है, है? तो बोला मैं ऐसे मेरी बहन को कोई देखेगा तो मैं उसको मार दूंगा तो वो क्या कर रहा है अभी वो भी किसी की बहन को तो देख ही रहा है ना तो फिर उसके क्या दशा होनी चाहिए ऐसे लाइक वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड देन लीड्स टू क्योस अति निद्रा है should not like oversleep like हमारे एक
फ्रेंड है, बताते हैं वो कहीं कॉलेज में आईटी में उनका फ्रेंड है, एग्ज़ाम के बाद फ्राइडे को सोए और संडे की सुबह उठे, एग्ज़ाम दे दिया उन्होंने, बहुत थक गए, फ्राइडे को रात को सोए, संडे की मॉर्निंग में उठे, क्यों उठे, भूख लग रही थी इसलिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, 6 hours 7 hours रेस्ट इज गुड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। या अति सेवे, टू मच प्लेइंग अराउंड, शौक होता है आजकल तो क्रिकेट का बहुत चलन है, ज़्यादा नहीं टाइम इसके लिए, स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में अभी विद्यार्थी का जीवन है तो इन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए। फिर से रिपीट करूँ, कामम डिज़ायर्स लस्ट क्रोधम एंगर टू कंट्रोल, लोभम ग्रीड स्वादु टंग कंट्रोल टंग, देन श्रृंगार नॉट वेस्टिंग टाइम इन डेकोरेटिंग द बॉडी, कौतुकी नॉट गोइंग आउट एंड वॉचिंग लाइक वुमेन और गर्ल और लाइक दैट रोमिंग अराउंड, अति निद्रा ओवर स्लीपिंग, अति सेवे रिक्रिएशंस है, गेम्स एंड ऑल स्पोर्ट्स वेस्टिंग टाइम इन लॉट ऑफ टाइम, या विद्यार्थी ही अष्टम वर्जयेत, या दिस इज वेरी नाइस लर्निंग फॉर अस, शुड बी कंट्रोल दिस थिंग्स। या अभी आजकल बोला कहते हैं कि हमको राम राज्य चाहिए हैं, बहुत चलन अभी आजकल बड़ा फेमस है राम राज्य, हमारी गवर्नमेंट आई है इसके बेस के ऊपर है कि हम राम राज्य देंगे, नरोत्तम जी नरेंद्र मोदी हैं, तो राम राज्य है, राम राज्य, तो हम कहते हैं राम राज्य है, फॉर व्हाट राम राज्य इज़ फेमस, व्हाई पीपल ऑलवेज आस्क कि हमारा ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए या हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी कंट्री राम राज्य होना चाहिए, क्यों फेमस है राम राज्य, क्यों लोग कहते हैं राम राज्य। आपका नाम क्या है? समीर। समीर, या समीर, टेल मी। क्यों फेमस क्यों है राम राज्य, व्हाई राम राज्य इज फेमस? यस कमल, पीस। आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत। सुसज्जित इंग्लिश हिंदी फुली डेकोरेटेड शासन व्यवस्था, अच्छा सुंदर सब कुछ, अच्छा था पीस, या हैप्पीनेस। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण राम, अच्छा लक्ष्मण राम, हाँ वेरी नाइस। ओके, अपनी ड्यूटीज करते थे, नो सफरिंग, वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? विवेक। आपका नाम क्या है? मनीष। मतलब काफी अच्छे से रहते थे और मतलब काफी शांति था, खुश रहते थे, खुश रहते थे। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष, दे आर एक्सट्रीमली फेस ऑन वर्किंग, दे आर एक्सट्रीमली फेथ ऑन वर्किंग, या एक्चुअली वो लोग बहुत संतोष थे, बहुत संतुष्ट थे वो, सो राम राज इज़ नॉट मे फेमस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज नॉट फेमस फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इट इज़ फेमस फॉर पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, दे वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड, द सेटिस्फैक्शन लेवल इज़ वेरी हाई, खुश थे लोग वहाँ पे, संतुष्ट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी भी लोग ये चाहते हैं क्या हो, सेटिस्फैक्शन मिले, सब कुछ हो रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, they are not sheltered, they are not satisfied, what Ram says in the Ramayana, I'll tell you, yeah,
सी व्हाट लॉर्ड सेज इन सकृद एव प्रपन्नो यश तवा स्मृति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् वृतं मम इफ वन सरेंडर अनटू मी सिंसियरली लॉर्ड रामचंद्र इज टेलिंग सेइंग माय लॉर्ड फ्रॉम दिस डे आई एम फुली सरेंडर्ड अनटू यू आई ऑलवेज गिव हिम प्रोटेक्शन दिस इज माय वाओ मैं वचन देता हूँ अभी कोई भी मेरे पास आएगा कहेगा भगवान मैं आपको पूरा समर्पण करता हूँ तो मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा नाउ पीपल आर सो मच लाइक सफरिंग फ्रॉम और यू कैन सो मच फियरफुल ऑलवेज फियरफुल हमारा जीवन देखिए आप हमेशा हमें डर लगता है किसी ना किसी चीज़ का डर रहता है yes. सोचिए आपको क्या डर रहता है एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं होंगे कैसा होगा पेपर कैसा आएगा एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस क्या आएंगे नहीं हर मोमेंट हमें डर रहता है कुछ भी करने जाए हमें डर रहता है किसी ना किसी चीज़ का फेयर रहता है जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इस कॉलेज में जो कंपनीज आती नहीं आती हैं इतना पैसा खर्च हो रहा है होगा नहीं होगा नहीं आपको खूब अच्छा खाना दे दूँगा यहाँ पे मैं अच्छा खाना खा रहे हो इन्जॉय करना चाहते हो खाने को खूब इन्जॉय कर लो लेकिन बताऊँ ये छत कभी भी गिर सकती है छत थोड़ी पुरानी हो गई है बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है कभी भी गिर सकती है क्या लगेगा आपको हमेशा डर रहेगा आपको इन्जॉय नहीं कर पाओगे ऐसी सिचुएशन है हमारी आप किसी स्त्री से संग करना चाहते हो लेकिन मैं कहूँ कि उसको एड्स है तो क्या होगा आपको डर रहेगा नहीं कर पाओगे एंजॉय तो सच बात है ऐसी सिचुएशन है हमारी इस भौतिक जगत में ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान कि अभयम है अभयम सर्वदा तस्मै उसको मैं अभय बना दूंगा फियरलेस बना दूंगा कौन जो मेरे शरणागत करेगा मनु सरेंडर टू मी दैट इज द सोल्यूशन दैट इज फेमस दैट इज रामराज इज फेमस फॉर दैट लॉर्ड गिव्स प्रोटेक्शन टू एवरीबॉडी तो सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब भगवान के हम शरण में आएंगे दैट इज़ द ओनली वे टू बी प्रोटेक्टेड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज़ नो अदर वे एवरी स्टेप वी आर इन फियर हमेशा हर मोमेंट में हम किसी ना किसी डर से गुजर रहे हैं लेकिन भगवान को शरणागत करेंगे तो भगवान इज बाउंड टू प्रोटेक्ट वचन दे रहे हैं जो मेरे को शरणागत करेगा मैं उसको कभी छोड़ देंगे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं नामे भक्त्या पनश्यति क्षिप्रम क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ये कहते हैं बताओ आपको देखिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेया प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रनश्यति माई डिवोटीज नेवर पैरिश Soon they will be reinstated in their position and they never perish. So this is we have to do. Just take shelter of Lord. That is the only way to get satisfaction, the real satisfaction we are looking for and coming out of this fearful situation. See, very nice. This is also in Srimad Bhagavatam. This verse come. Apanna samshipt ghoram yan nam vivasho girnan vivasho girnan tatha sadyo vimuchyate yad bhiveti swayam bhayam. क्या कह रहे हैं? देखिए कैसे fear से बच सकते हैं? क्या कह रहे हैं? Living beings who are entangled in complicated meshes of birth and death. जो जन्म मृत्यु के चंगल में फंसे हुए हैं कॉम्प्लेक्सिटीज की जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं ऐसे जीव कैन बी फ्रीड इमीडिएटली उससे मुक्त हो सकते हैं इमीडिएटली बाय इवन बाय अनकॉन्शियसली चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड अनकॉन्शियसली बिना जाने भी अगर वो भगवान का नाम जप करेंगे तो दे कैन बी फ्री चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा विच इज फियर बाय फियर पर्सोनिफाइड कौन है फियर पर्सोनिफाइड कौन है
फियर पर्सोनिफाइड कौन है? फियर पर्सोनिफाइड, फियर का जो पर्सन है वो कौन है? जो मृत्यु कौन? यमराज है. फियर पर्सोनिफाइड इज यमराज. इवन ही ऑल्सो फियर है. इवन ही ऑल्सो फियर है. यू कैन इमेजिन है, जस्ट बाय चैंटिंग दैट इज ऑल्सो अनकॉन्शियसली. तो सोचिए हमारी क्या सिचुएशन होगी जब हम कॉन्शियसली रोज सुबह बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कॉन्शियसली चैंटिंग कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपना समय भगवान कृष्ण को दे रहे हैं. दिस इज साइन ऑफ सरेंडर है. टेकिंग आउट टाइम, प्रीशियस टाइम, एंड गिविंग हिम, चैंटिंग हिज ग्लोरीज, चैंटिंग, रीडिंग, दिस इज साइन ऑफ सरेंडर. तो वी आर, इफ यू आर डूइंग दिस कॉन्शियसली, सो वॉट इज अवर डेस्टिनेशन? यू कैन इमेजिन. So, how we should chant? Like sunrays, this sunrays come. If you use this lens, बचपन में हम करते थे. लेंस लेता था मैं, कहीं सीख लिया था, कहीं देख लिया था, और सनरेज के आगे रख देते थे, और उसे पतली सी एक रे आती थी, और उसके नीचे माचिस की तीली रख देते, कभी कोई पत्थर रख देते थे, या मैग्नीफाइड लेंस. तो उससे क्या होता था, जल्दी आ जाता है. हल्का सा पहले एक छेद होता था, पहले हल्का हल्का ब्लैक होता था, फिर का छेद होता था, और वो आग लग जाती थी फिर उसमें ऑटोमेटिक. अरे सनरेज से आग लग जाती है बड़ा. सो दिस इज़ वी हैव टू डू. If we chant with such intensity and with attentiveness, then all impurities in our heart, all this kaam, lobh, krodh, moh, pride, anger, greed, lust, anger, every will go away just by all these impurities, by very attentively, with intensity, with love, devotion, respectfulness, we chant this holy name, then it will happen. So this is we have to do very attentively. Chanting means just chant and hear, nothing else. When we are sitting for chanting, we have to take beats, pray to Lord, oh Lord, please engage me in your service. Now I am a living soul in this body, try to surrender unto you, please accept me, please engage me in your service. Now this 1 hour, half an hour I am sitting to chant, please help me, allow me to chant very attentively. Pray to Panchatattva, pray to God Netai, and just chant. Close your eyes and just chant and hear. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The chanting should be very clear, very distincting. One word should be very distinctive. Should not be mumbled. फटाफट बोल दिया ऐसे नहीं. क्लियर स्पीड में कर सकते हैं, लेकिन स्पीड अपने आप आ जाएगी जब आप अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनोगे. एक एक वर्ड अपने आप स्पीड आ जाएगी. तो ये प्रैक्टिस है. जन्मों जन्मों तक हमने इंद्र तृप्त करी है, इन्जॉइंग मेंटेलिटी है हमारी, तो जाएगी अगर हम प्रयास करेंगे. सीधे बैठ के जब करके हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम इसको ओवरकम कर लेंगे. हैं तो ध्यानपूर्वक जब करना है फोकस करके. सिर्फ एक ही विचार चाहिए. अभी मैं ये आधा घंटा में जो भी करने आ रहा हूँ, एक घंटा करने जा रहा हूँ, सिर्फ चैंटिंग करना है, कुछ और नहीं करना है. नो मोबाइल, रिमूव द मोबाइल, स्विच ऑफ द मोबाइल, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होएगा. साइलेंट मोड में कर दो, बाद में रिसीव कर लेना कॉल, कुछ नहीं होएगा. आप मोबाइल नहीं उठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. या और कहीं किसी को देखने की जरूरत नहीं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है. सिर्फ आपको एक ही क्या करना है, क्या करना है, आपको चैंट करना है, सुनना है. जस्ट बाय डूइंग दिस यू कैन सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. अटेंटिवली ध्यान, इसे कहते हैं ध्यान पूर्वक जप करना. इसे कहते हैं ये प्रोसेस है फॉलो करना है. प्रभुपाद सेज जस्ट चैंट एंड हियर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. क्लियर प्रोनंसिएशन, ऑडिबल, बहुत लाउड नहीं और बहुत कम नहीं. खाली मन में नहीं बोलना, मुँह में नहीं बोलना है, क्लियरली हमारे कान में आ जानी चाहिए.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे क्लियरली जब करेंगे आप फिर आप देखिए डिफरेंस। या और आंखें बंद कर सकते हैं आप, नींद आ रही है तो नीचे देखिए, ऊपर देखिए, लेकिन सामने मत देखिए, दूसरों को मत देखिए, नहीं तो आपका मन वहाँ पे चले जाएगा, फिर आपका मन भी भटकेगा है, लेकिन माइंड विल ऑल्सो गो हेयर एंड देयर। लेकिन देखो भगवान कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, देखो तो मैं आपको देखो क्या कह रहे हैं गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये तो ही निश्चलति, ये तो व्हाट इज चलिंग, ये तो ही निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, ये मन तो चंचल है, हैं, लेकिन क्या करो आप ततस्ततो नियमेताद आत्मनि एव वयम वसम नयत। फ्रॉम वेयर वेयर द माइंड वेंडर्स ड्यू टू इट्स फ्लिकरिंग एंड अनस्टेडी नेचर, फ्लिकरिंग वो जाएगा है? हम लोग जब करने बैठते हैं तो कितने विचार आते हैं, किसी को देखते हैं उसके बारे में विचार आते हैं, नहीं तो कुछ और विचार आते हैं, बैठे यहाँ पे हैं लेकिन जयपुर के विचार आ रहे हैं, घर जाना है, ये करना है, वो करना है, सब विचार आते हैं, अभी इसके बाद क्या होगा, अभी नेक्स्ट क्या होगा, प्लानिंग करते रहते हैं हम, हैं आप देखेंगे तो ऐसा विचार आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या करो ये कह रहे हैं अनस्टडी एंड फ्लिकरिंग नेचर, क्या करो वन मस्ट सडनली विदड्रॉ इट एंड ब्रिंग इट बैक अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेल्फ, कुछ नहीं करना हमें, माइंड जाएगा है? अभी फिक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको वापस ले आओ, फिर वापस ले आओ, आपको समझ आए, अरे देखो चला गया वापस ले आओ, फिर चला गया वापस ले आओ, ये सक्सेस है, दिस सक्सेस वी जस्ट एबल टू ब्रिंग बैक अवर माइंड, दैट इज अवर सक्सेस ऑफ चैंटिंग। तो ट्राई टू फोकस, सिर्फ अभी एक ही कार्य करना है, क्या चैंट हियर, दिस सर्विस, दिस वन ऑफ द एक्टिविटी आई एम डूइंग इन अ होल डे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट अस डू वेरी नाइसली, एनी हाउ माई वन आवर इज गोइंग, एनी हाउ माई हाफ एन आवर इज गोइंग, सो टेक बेस्ट यूज ऑफ इट, आधा घंटा जा रहा है उसका भी पूरा फायदा उठा लूँ, जस्ट चैंट एंड हियर, जस्ट चैंट एंड हियर, नथिंग एल्स, नो थॉट्स शुड बिकम, है या अगर जितना हमारा सक्सेस यही है, जितना हम ये पालन कर पा रहे हैं जिस डिग्री तक, जिस डिग्री तक हम पूरा हरे कृष्ण महामंत्र एक सुन पा रहे हैं और जितनी ज़्यादा सुन पा रहे हैं वही हमारा सक्सेस है, जब हम उस लेवल पर आ जाएंगे हम सब हरे कृष्ण महामंत्र पूरा सुन पाएंगे पूरे हैं 108 एक माला में और 16 माला, तो वो सक्सेस है समझिए, हैं सो उस स्टेज पर आना है हमें, तो बस ये प्रयास करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र में जो बोल रहा हूँ इसको सुन लेता हूँ पूरा अच्छे से, क्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एक हो गया फिर नेक्स्ट, तो एक ही पूरा महामंत्र ध्यान से सुन लूँ, पूरा सुन लूँ मैं, इसको छोड़ूँ नहीं, है ना, तो क्या होता है हमारा हरे छूट जाता है, नेक्स्ट हरे छूट जाता है, मन चला जाता है कहीं, हम बोलते चले जाते हैं मैकेनिकली बोलते चले जाते हैं लेकिन सुनना भूल लेते हैं, सुनते नहीं हैं, मन कहीं और है, नहीं मन लगाओ कि एक महामंत्र पूरा सुनना है, दैट इज द सक्सेस ऑफ माई लाइफ, जस्ट चैंट दिस, जस्ट हियर दिस हरे कृष्ण महामंत्र अटेंटिवली, दिस इज द सक्सेस ऑफ माई लाइफ इज परफेक्ट, वो कह रहा है अनकॉन्शियसली भी आप चैंट करोगे तो आप फियर से निकल जाओगे, हैं आप बॉन्डेज से निकल जाओगे, वन महामंत्र, ओनली वन महामंत्र, वन होल 16 वर्ड्स 16 सिलेबल्स वन, लेट इज डू दिस सक्सेस, वॉट हरे कृष्ण महामंत्र एक बार पूरा सुनो, तो आप बैठो ध्यान से और सुनो एक एक करके सब सुनो, हैं ये सुनना है जो भी कर रहे हैं इसको पूरा सुनना है, फिर नेक्स्ट समझ पा रहे ना, लाइक दैट, सो बाय प्रैक्टिसिंग वी कैन या वी कैन इम्प्रूव अवर चैंटिंग। ठीक है, विल स्टॉप हेयर, एनी क्वेश्चंस यू हैव, एनी डाउट्स, कुछ आपको प्रश्न है चैंटिंग करते समय, कोई डाउट, हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण बंदी से इट मीन्स ओ एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, हे भगवान कृष्ण की शक्ति कृपा मेरे को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए, ये हरे कृष्ण का मीनिंग है, या
When we chant Hare Krishna, it means, oh Lord, oh energy of Lord, please engage me in your service. I'm suffering in this material world. Somehow I am come this to this material world. हम सुबह आपको मालूम है शिक्षा अष्टकम मालूम है आपको मालूम है आपको मालूम है शिक्षा अष्टकम आप कहाँ रहते हो बॉम्बे में Your friend or somebody or how you have come here now? Like? You are now connected with him also? Yeah. Okay. So, Shishyashtaka malum hai aapko nahi malum hai? Chaitanya Mahaprabhu, he appeared, so he has not written any book. Only 8 shlokas he has written. So Chaitanya Mahaprabhu hai. And but he has given his teachings to his disciples, Goswami, Surabha Goswami, Sanatana Goswami, and they have written many, many books. About devotional service. So 8 shlokas he has given. In that he has, in 5th verse, he told, Ai nanda tanuja kinkaram patitam ma vishame bhavan budau. Hey, bhavan Krishna, hey, nanda maharaj ki putr, bhavan Krishna, main somehow is material world mein. Ai nanda tanuja kinkaram patitam ma vishame bhavan is भौतिक सागर में है विश्व के सागर में है ओशन ऑफ सफरिंग मैं आ गया हूँ तो अभी मेरे को उठाइए बचाइए मेरे को और अपने चरणों की धूली बना लीजिए है अपनी चरणों की धूली में स्थित कर दिए मेरे को या तो दिस शुड बी अवर प्रेयर माय लॉर्ड आई एम सफरिंग आई एम हेल्पलेस प्लीज़ टेक केयर प्लीज़ एंगेज मी इन योर service of a lotus feet. So while chanting Hare Krishna means we are asking for service. And this is also topmost service. This is the topmost service, chanting Hare Krishna Mahamantra. This direct remembrance of Lord. Lord Himself is associating. We are associating with the Lord. Himself He is coming. Non-different. Krishna and name Krishna and Lord Krishna is non-different. This is spiritual, absolute. Any other question? Koi aur question hai aapka? कोई भी जिज्ञासा है कोई डिफ़िकल्टी आती है आपको चैंटिंग करने में नींद आती है तो पहली चीज़ है नींद आने के लिए कि पूरा समय सोना चाहिए रात को अच्छा विश्राम होना चाहिए आप कितने बजे सोते हो 10 बजे सो जाते हो यहाँ पे कितने बजे उठते हो 5:30 बजे उठते हो 10 बजे सोते हो 4 बजे उठते हो ठीक है अभी क्या है प्रैक्टिस नहीं है ना आपको ऐसा हैबिट नहीं है जल्दी सोने का कॉलेज में हॉस्टल में लेट होते होगे और थोड़ा लेट उठते होगे फिर ये जल्दी सो रहे हैं तो शायद होते सोते सोते नींद नहीं आती होगी आपको और उठने का टाइम 4 बजे का है तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इट टेक्स सम 1 month 2 months नींद आएगा नो प्रॉब्लम 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद आपको आदत हो जाएगी फिर नींद नहीं आएगी लेकिन कम से कम 6 घंटा विश्राम करना बहुत जरूरी है कम से कम 6 घंटा 10 to 4 9:30 to 4:30 9:30 to 4 6 घंटा 6:30 घंटा 7 घंटा इतना करना बहुत जरूरी है कम से कम 6 hours वो नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है वो तो हमारा हेल्थ भी खराब हो सकता है लॉन्ग टर्म में कम से कम 6 घंटा विश्राम चाहिए जो आयुर्वेदिक बताता है कि स्लीप 6 hours तो हमें लेनी चाहिए ह्यूमन बॉडी को 6 to 7 hours 7 hours से ऊपर लेंगे तो भी अच्छा नहीं है फिर वो भी हमारी हेल्दी लाइफ नहीं होगी फिर हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी है ना तो इतना विश्राम करो आप अभी आदत पड़ जाएगी नहीं आएगी तो अभी क्या कर सकते हैं कि आप प्रयास करो स्ट्रेट बैठोगे ना आप ऐसे तो बहुत हद तक नींद मिटेगी हाँ दोनों स्ट्रेट अगर माला कर रहे हो आपके पास बीट बैग होगा तो ऐसे करके चैंटिंग कर सकते हैं बीट बैग है माला है तो ऐसे करके कर सकते हैं है ना खाली माला है तो फिर और दोनों हाथ स्ट्रेट खींचे हुए होने चाहिए बॉडी भी खींची होनी चाहिए अगर दोनों ऐसे रहेगी ना तो फिर आपको बहुत हद तक नींद नहीं आएगी नींद वालों की बात है जब हम ऐसे हो जाते हैं हाथ यहाँ पे आ जाते हैं देखो आप पोजिशन हाथ यहाँ पे आ गए यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं ऐसे झुक गए तो बहुत आसानी से नींद आती है ने? अगर आपको एक्चुअल भी नींद आ रही है कि आप रात को सो नहीं पाए तब भी आप ऐसे बैठोगे तब भी नींद नहीं आएगी फिर भी नींद आ रही है खड़े हो जाओ खड़े होके नीचे मुँह करके ध्यान से जप करो सुनो आप एक एक वर्ड खड़े हो जाओ फिर भी नींद आ रही है वॉक कर लो उसके बाद नींद आ रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं चलते चलते भी नींद आ रही है तो हम कुछ नहीं कह सकते है ना तो हैं ऐसे वक्त हैं कुछ चलते चलते भी उनको सो जाते हैं है तो नहीं सबका अपना कंडीशनिंग्स है
तो आप ऐसे प्रयास करो, अब मैं बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे प्रयास करोगे ना बैठ के जब करोगे स्ट्रेट, बहुत हद तक नींद नहीं आएगी आपकी, है ना। या और टाइम पे सो, आप अच्छा विश्राम करो, हेल्दी नाइट स्लीप। या आपको प्रश्न था कुछ? आपका नाम मनीष? यस मनीष। Then how it is just like a greedy? No greedy. Greedy is that now you are, now you have come to ISKCON temple, you are connected to choice, eh? And you understand the purpose of human life, importance of human life, importance of chanting Hare Krishna, importance of spirituality in our life, eh? Like we have to balance both the things, our material life and spiritual life. That way we can nicely, happily lead our, peacefully lead our human life. But just to score one extra pointer or to achieve, try to achieve the first rank or 9-pointer, you leave your chanting. You leave your chanting. आज मैं chanting नहीं करूँगा, अभी मैं exam आ रहे हैं एक महीने no chanting. और मैं अभी सिर्फ पढ़ाई करूँगा, रात को बुरा है, सुबह से रात तक है और बस। तो ये ग्रीड है। सो व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज इन योर स्पिरिचुअल लाइफ, पूरा दिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं, और एक्चुअली शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, डेड है, मैटर है, इंपॉर्टेंट क्या है, सोल है। उसके लिए हम एक कुछ भी कार्य करें, अभी जब हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, और उसको भी थोड़ा उसको फूड देना शुरू किया है, वो भी हम बंद कर देंगे तो फिर क्या बचेगा, है। तो व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज दैट, है, दैट इज़ ग्रीड। तो ये एक लाइन है जो पता चलती है ग्रीड है या नहीं है। तो जितना हमको बताया गया, जैसे हमारे अथॉरिटीज ने बताया गया, जैसे आपको अभी नहीं कहा कि आप 16 राउंड चैंट करो, आपसे कहा होगा 4 राउंड चैंट करो, 8 राउंड चैंट करो, जितना हमारा लेवल है, जितना हम टाइम दे सकते हैं उसके हिसाब से, है। दे मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देन मैनी थिंग्स टू बी फॉलोड, बट नॉट हल्के हल्के, इवन आवर हार्ट इज़ प्योरीफाइड, वी अंडरस्टैंड एंड ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है, अपने आप हम आ जाते हैं उस लेवल पे। जब मैं पहली बार आया था दिल्ली में, जुड़ा था फरीदाबाद मंदिर, तो मैं पहली बार ऐसे ही मंदिर गया था, पहले दिन ही उन्होंने मेरे को माला दे दिया कि आप चैंटिंग करो। तो मैं सोचता था मैं इतना गाली वाली बकता हूँ, इतना गलत गलत बोलता रहता हूँ, अब ये कह रहे हैं हरे कृष्णा, अच्छा कह रहे हैं, चैंटिंग कर लेते क्या है। तो आई स्टार्टेड टू लाइक दिस वन राउंड चैंटिंग, समडे आई डू नॉट सिंसियरली लाइक दैट आई डू माई रूम, करता था मैं। मैं बताया 4 नियम बताया कि 4 रिलीजन के नियम होते हैं, क्लीनिनेस, ऑस्टेरिटी, कंपैशन, मर्सीफुल, ट्रूथफुलनेस। मैंने कहा अच्छा लगा, तो अच्छा है, मेरे दादाजी भी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, है। तो मेरे को समझ आया हमारे घर में भी नहीं करते हैं। फिर फाइनली बोले चैंटिंग करो, मैंने कहा ठीक है, आई स्टार्टेड लाइक दिस, बट स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली आई चैंटेड एंड हियर माई हार्ट बिकम प्योरीफाइड, ऑटोमेटिकली माई बैड हैबिट्स गॉन, स्लोली 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 लाइक दैट, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई एम चैंटिंग 16 राउंड्स, नाउ आई स्लीप ऑल्सो 12 o'clock, स्टिल आई गेट अप बाई 3:30, जनरली आई स्लीप फुल रेस्ट 9 o'clock, आई स्लीप एंड गेट बाई 3:30, तो आई टेक 6 and a half hour रेस्ट एंड डेट समटाइम डे वन लेट, सो 1/2 hour रेस्ट एंड डेट डे ऑल्सो 6 and a half hours, 6 hours, 7 hours, आई टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट, ऑल द बस ओनली थिंग वी स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, बट आई एम वेरी नाइस, समटाइम सर्विस इज देयर लेट हो जाते हैं, 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, तब भी मैं 3:30 पर उठ जाता हूँ, आदत हो गई अभी।